हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है जियोग्राफी 7th क्लास की सीरीज चल रही है, उसका आज 3rd चैप्टर है। इस टॉपिक का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में देखा गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में गठित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल यानी कि एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनक बल यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। चित्र 3.1 में देख सकते हैं, अभी हम दिखाएंगे इसे। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। यहाँ देखिए, ये है पृथ्वी की गतियाँ, अंतर्जनित बल एंड बहिर्जनित बल। आकस्मिक बल, अपरदन, निक्षेपण, ये सभी यहाँ पर जो दिए गए हैं ये अंतर्जनित बल के अंतर्गत हैं और ये यहाँ पे बहिर्जनित बल के अंतर्गत हैं। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं? एक रंगीन कागज़ की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज़ की गोली भी ऊपर उठती और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा इसी प्रकार गति करता है। शब्दावली यानी कि स्थलमंडलीय प्लेट। भू प्रॉपर्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर स्थलमंडलीय प्लेट। भू प्रॉपर्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी है। ज्वालामुखी भू प्रॉपर्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। 3.2 में देखिए, चित्र 3.2, यहाँ पे ये ज्वालामुखी है। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भू प्रॉपर्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। भूकंपीय तरंगें या एक भूकंप की उत्पत्ति कैसे हुई है इस चित्र के द्वारा समझाया गया है। यह देखिए, सबसे पहले उद्गम स्थान, वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। जैसे कि प्लेट सीमा, अधिकेंद्र, भूकंप तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। क्या आप जानते हैं भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती है? भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे तथा अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। यदि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं
लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। ये यहाँ पे देखिए, पिक में दिखाया गया गुजरात में भूकंप, यहाँ पिक है ये गुजरात में भूकंप के लिए। भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन, भुज में भूकंप के झटके, शहर में आग। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो भूकंप आया था उस टाइम का, यहाँ पे ये बताया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कोई भी एग्जाम हो या किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंच सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है यह बहुत शक्तिशाली और तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। क्रियाकलाप, भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचार के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़ें। इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। भूकंप से बचाव की तैयारी, भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें। सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण में तस्वीर फ्रेम से, इन चीज़ों से क्या रहना, दूर रहना है। पहले से तैयार रहें, अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। नेक्स्ट देखिए, मुख्य स्थलाकृतियाँ, अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विकृत होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भू दृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी पर गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। चित्र 3.5 में देख सकते हैं, ये जलप्रपात है। कठोर शैल जल की शक्ति द्वारा, चित्र में यहाँ देख सकते हैं, कठोर शैल जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल। नेक्स्ट, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। नदी के बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाती हैं जिसे चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती हैं, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों, निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को
अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रभाव धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित। क्या आप जानते हैं विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं? सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित निरियागा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। नियागा जलप्रपात देख सकते हैं, ये पिक दिखाई जा रही है इसकी। बाढ़ का मैदान भी सर्प इस तरह के होते हैं, सर्प की तरह दिखाए जाते हैं, तट हो जाती है जिनको बितरका कहते हैं। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक बितरका अपने मुहाने पर निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े छोटे बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवार बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंग किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। हिमनद के कार्य। ये यहाँ पे पिक है हिमनद की, यहाँ पे इसके कार्य हैं। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलास्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है और गोलास्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करती हैं। आओ कुछ करके सीखें। विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढें जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास करिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्र के आकार के सेल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सेल के आधा संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहती हैं। जब बालू कण महीने हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपण हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज दी गई है, क्वेश्चनों को देख सकते हैं किस तरह क्वेश्चन है। ये टिक द करेक्ट है, यहाँ ये मैचिंग वर्ड दिए गए हैं। तो आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।